वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, फिगर यहाँ बना लेते हैं। एक सिलेंडर है, ठीक है, सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर में एक कॉनिकल टॉप है, यानी कि एक कोन रखा गया है, ठीक है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, हाइट कितना है, 2.1 मीटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, जो डायमीटर है कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। ये डायमीटर, यह है 4 मीटर, 4 मीटर, सॉरी फिगर में ये थोड़ा बड़ा हो गया है, जबकि इसका हाइट है 2.1 मीटर और इसका है 4 मीटर है, ठीक है। ये भी डायमीटर होगा रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो कोन है, इसका जो लेंथ है, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। इस टेंट को बनाने में कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने कैनवास की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। तो जितना कैनवास लगा, यानी कि कैनवास को लगाने में कितना टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का है 500 रुपीज़, तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा ये हमें निकालना है। तो पहले तो मुझे निकालना होगा कितना कैनवास लगेगा, यानी टोटल एरिया मुझे निकालना है। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा, ये बेस में तो लगेगा नहीं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट पे लगेगा और ये कोन पे लगेगा। यानी मुझे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इस टॉप का, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया टेंट का निकल जाएगा, तो उतना हमें कैनवास की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टोटल टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2π r h, और ये प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, πr l, ठीक है। पाई आर दोनों में पाई आर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा 2h + l, ठीक है। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। अब यहाँ आर की हमें ज़रूरत है, तो आर कितना होगा, ये 4 है, पूरा डायमीटर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ये भी आर 2 मीटर होगा। 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर आर की जगह पे हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2। फिर उसके बाद कोस्ट 2 इंटू h, हाइट कितना है सिलेंडर का, 2.1, और l, ये l स्लैंट हाइट इस कोन का, यानी 2.8, ठीक है। 44/7 और 4.2 + 2.8, ठीक है। 44/7 × 4.2 और 2.8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 44 मीटर स्क्वायर। ये जो आया, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि जो कैनवास, यानी जिस चादर की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा कितना,
44 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने में इतना मीटर स्क्वायर चादर लगेगा। अब इसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट हमें निकालना है कैनवास का, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 500 रुपीज़ लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट इजीली निकाल लेंगे इस 44 को मल्टीप्लाई करके, टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग द टेंट इज इक्वल टू 44 × 500। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास है तो इतना लगेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹22,000 आएगा, ₹22,000। ठीक है, ये मेरा आंसर है, ये आंसर है टोटल सरफेस एरिया कैनवास का, और ये है टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग टेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट ₹22,000। ठीक है।